एलन मस्क का नया प्लान तैयार, रिलायंस जियो को टक्कर देने की तैयारी। भारत में सस्ते दरों पर मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने वाली रिलायंस जियो को बहुत जल्द टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नजर अब भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री पर है। उनकी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए भारत आने की योजना बना रही है। मस्क 100 Mbps सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा के जरिए तेजी से बढ़ रही भारतीय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मस्क ने भारत सरकार को देश में सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की अनुमति देने का अनुरोध किया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल अगस्त में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसके जवाब में स्पेसएक्स की सैटेलाइट गवर्नमेंट अफेयर पैट्रिशिया कूपर ने कहा कि स्टारलिंक के हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क से भारत के सभी लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ने के लक्ष्य में मदद मिलेगी। लेकिन स्टारलिंक अगर भारत में एंट्री करती है तो यहां उसे मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो से कड़ा मुकाबला करना होगा, जो 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार जियो 4G रोल आउट भारत के इंटरनेट क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने किफायती दामों पर यूजर्स को इंटरनेट मुहैया कराया, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा इस्तेमाल को बढ़ावा मिला। भारत में अब करीब 65 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जो औसतन 12 GB डेटा प्रति माह इस्तेमाल करते हैं। जियो ने सस्ती कीमतों पर डेटा और सेवाएं प्रदान करके बाजार के आकार को बढ़ाया है। क्या है एलन मस्क का प्लान? एलन मस्क का दावा है कि उनकी सर्विस से दूर दराज के वे सभी लोग लाभान्वित होंगे जो अभी ब्रॉडबैंड सेवा से वंचित हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी सर्विस बहुत सस्ती होगी, साथ ही स्पेसएक्स जल्द ही भारत में स्टारलिंक को लॉन्च कर सकती है, बशर्ते ट्राई उसकी सिफारिशें माने। स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद सैटेलाइट्स का एक समूह है, जिसके जरिए दुनिया के दूर दराज के इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन मुहैया कराया जा सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए 1,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट छोड़े हैं। कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में धड़ाधड़ ग्राहकों के साथ साइन करने में लगी है। स्पेसएक्स ने निवेशकों से कहा कि स्टारलिंक की नजर इन फ्लाइट इंटरनेट अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करने में लगी है। एक बार में 60 सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। 17वां स्टारलिंक लॉन्च 20 जनवरी को हुआ था। ऑर्बिट में कंपनी के 960 सैटेलाइट एक्टिव है। इससे स्पेसएक्स नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर सर्विस शुरू करने की तैयारी में है। इस बारे में स्पेसएक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।